दोस्तों पवनदीप राजन के दोस्त जैसे अनुराधा कांजीलाल, आशीष कुलकर्णी, निहाल टोरो और मोहम्मद दानिश में से किसी एक दोस्त ने कुछ ऐसा बड़ा काम करके दिखा दिया है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी हां दोस्तों, आज हम आपके लिए पवनदीप राजन के दोस्तों से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट और एक बहुत बड़ी खबर लेकर आ गए हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पवनदीप राजन के सभी दोस्त काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, फिर चाहे वो अनुराधा कांजीलाल हो या फिर आशीष कुलकर्णी या फिर मोहम्मद दानिश, लेकिन आपको बता दें कि इनमें से किसी एक दोस्त ने वो करके दिखा दिया है जिसके बारे में खुद पवनदीप राजन ने भी नहीं सोचा था। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दोस्तों आखिर क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। इस वीडियो में चैनल पर आप पहली बार आए तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर पवनदीप राजन के किस दोस्त ने ऐसा काम करके दिखा दिया है जिसके बारे में पवनदीप राजन ने भी नहीं सोचा था। तो दोस्तों आपको बता दें कि पवनदीप राजन के दोस्त आशीष कुलकर्णी को तो आप जानते ही होंगे। आपको बता दें कि आशीष कुलकर्णी का एक गाना रिलीज हो चुका है जिसका नाम चेहरा है और ये गाना इन्हीं के दोस्त निहाल टोरो की मूवी का गाना है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वेल दोस्तों, आपको ये खबर सुनकर कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमने एक पोस्ट भी डाला है जहां पर आप अपनी राय जरूर दें। चैनल पर आप पहली बार आए तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को।